Great. चलिए, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया। अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एंड द चैप्टर जो काफी कंपेरेटिवली आपका लाइक यहाँ पे आसान है, इंटरेस्टिंग है। बट आई विल बी ट्राइंग टू कवर दिस चैप्टर इन टू और थ्री लेक्चर्स में से खत्म करते हैं हम लोग यहाँ पे। सो ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट। दैट इज वॉट ब्लड इज गोइंग टू बी। ब्लड जब के आपके सामने ये टर्म आता है, यू नो इट इज रेड इन कलर, एंड दिस आर द स्ट्रेट थिंग्स यू हैव टू नो। इट इज योर कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आपको प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट आपको मिल जाता है। यूज बाय कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल। ब्लड को इस्तेमाल किया जाता है टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे आपके सामने कुछ ब्लड सेल्स हैं। यू कैन सी दैट यू हैव अ व्हाइट ब्लड सेल्स, यू हैव योर आरबीसी आपके सामने यहाँ पे है। आरबीसी का काम होता है यहाँ पे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करना। सो मैं कह सकता हूँ कि गैशियस ट्रांसपोर्ट के लिए, फॉर द गैशियस ट्रांसपोर्ट के लिए इनको आप बहुत वाइडली यूज करते। सो गैशियस ट्रांसपोर्ट के लिए आरबीसी का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी आप जानते हो, दे आर गोइंग टू प्ले अ रोल इन द डिफेंस। They will be playing the role over here in your defense, right? And then you have a platelets. Platelets are going to play the role are going to play over here the roles in terms of like blood clotting. So platelets aapke yahan pe madad karte hain aapke blood clotting ko leke. So blood clotting is something done by my platelets. एंड देन यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ माई डब्ल्यू बी सी, जो नीचे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, मोनोसाइट्स, बेसोफिल, इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ये आपके अलग अलग टाइप के यहाँ पे डब्ल्यू बी सी, इनके बारे में हमने बात किया था। अगर आपको याद हो तो जब हमने इम्यून सेल्स पढ़ा था तो इनके बारे में भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। दीज आर माई डिफरेंट टाइप ऑफ माई डब्ल्यू बी सी विच यू गेट टू सी। तो इफ यू रिमेंबर दिस इज ऑल समथिंग वी हैव डन, ठीक है ना। हाँ जी दीपिका, गुड इवनिंग। So now let's have a look what we'll be doing over here. So जब हम बात करते हैं यहाँ पे ल्यूकोसाइट्स को लेकर, when we discuss about the leukocytes over here, when we discuss something about the leukocytes, so leukocytes को हम यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड एज माय ग्रैनुलोसाइट्स, अदर इज कॉल्ड एज माय अग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है। सो ल्यूकोसाइट्स को हम यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ग्रैनुलोसाइट और अग्रैनुलोसाइट। अगेन दैट इज समथिंग, अगर आपको याद हो तो ये हमने किया था, याद आ रहा है, ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर में हमने ये डिवीजन किया था। yes, sir. तो ग्रैनुलोसाइट्स में आपके तीन सेल यहाँ पे आते हैं, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स। और आपके अग्रैनुलोसाइट्स में आपके दो सेल्स आते हैं, यू हैव अ लिम्फोसाइट्स एंड यू हैव अ मोनोसाइट्स, राइट। अब कुछ चीजें जो आपको मैंने पहले भी बताई थी, आपको मैं अभी भी वापस बताना चाहूंगा कि जब हम बात करते हैं यहाँ पे हम लिम्फोसाइट्स के बारे में या ल्यूकोसाइट्स के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में, तो याद रखना अगर आपसे कोई पूछे इनमें से सबसे हाईएस्ट अमाउंट में कौन सा होता है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स। इन सब में से अगर आपको पूछा जाए कि कौन होता है आपके लीस्ट अमाउंट के अंदर, देन आपका यहाँ पे आंसर होगा बेसोफिल्स। बेसोफिल इन द लीस्ट, इनका अमाउंट आपको यहाँ पे रहता है आपका सबसे कम। एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि बेसोफिल इवन जाना जाता है कई सारे सब्सटेंस को रिलीज करने के लिए। सो बेसोफिल्स आर नोन टू रिलीज डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस लाइक योर हिस्टामाइंस, यू हैव सेरोटोनिन, राइट। ऐसे सब्सटेंस को आपका रिलीज किया जाएगा बाय माय बेसोफिल। सो बेसोफिल आर नोन टू रिलीज समथिंग हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, ये काफी अच्छे अमाउंट में आपके यहाँ पे रिलीज करते हैं, राइट। उसके साथ आपका आपको याद ही रखना है कि जब आपसे पूछा जाएगा इन सारे सेल्स में से कौन से सेल्स आपके यहाँ पे होते हैं जो आपको करके देते हैं आपका फैगोसाइटोसिस, इफ दे आस्क यू विच ऑफ दिस सेल्स आर नोन टू कैरी आउट फैगोसाइटोसिस, तो आपका यहाँ पे आंसर रहेगा फैगोसाइटोसिस आपको करके देंगे आपके यहाँ पे दो सेल्स। और वो दो सेल्स आपके यहाँ पे होंगे, एक होगा आपका यहाँ पे मोनोसाइट्स, वन ऑफ देम इज गोइंग टू बी योर मोनोसाइट्स, एंड अदर ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर न्यूट्रोफिल्स। सो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर द वन जो आपके करते हैं आपका हमेशा यहाँ पे फैगोसाइटोसिस। दैट मीन्स कि अगर कोई सेल ऐसे घूम रहा हो, कोई अगर फॉरेन पैथोजन अगर आपका घूम रहा हो, तो उसे जाके वो लोग लाके इनगल्प कर लेंगे, उसे जाके वहां पे खा लेंगे। सो दैट इज वॉट दे आर नोन फॉर। इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है,
और लिम्फोसाइट्स जो आपके यहाँ पे थे दे आर द वन विच विल गिव यू द इम्यून रिस्पॉन्स. याद है आपको लिम्फोसाइट्स में थे तो आपके बन के आते थे आपके टी सेल्स एंड बी सेल्स. सो लिम्फोसाइट्स में से ही आपके बन के आते थे आपके यहाँ पे टी सेल्स एंड बी सेल्स. सो टी सेल्स एंड बी सेल्स आर समथिंग विच हैव बीन कमिंग फ्रॉम माय लिम्फोसाइट्स. तो ये आपको यहाँ पे ऐड करना है. ठीक है, तो ब्लड को अगर हम यहाँ पे देखते हैं, सो ब्लड को लाइक डिवाइड करते हैं इसमें दो पार्ट्स के अंदर, यू हैव अ फॉर्म्ड एलिमेंट एंड यू हैव अ प्लाज्मा. अब फॉर्म्ड एलिमेंट में आपके सारे आपके ब्लड सेल्स आते हैं, आरबीसी आपका हो गया, डब्ल्यूसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, दे ऑल कम अंडर द फॉर्म्ड एलिमेंट. सो 45% तो आपका यहाँ पे होता है फॉर्म्ड एलिमेंट, बाकी 55% आपका यहाँ पे होता है आपका प्लाज्मा. अब 55% प्लाज्मा के अंदर आपको याद रखना है दैट यू विल हैव 90% वाटर, 90% तो इसके अंदर आपका यहाँ पे रहेगा पानी. सो 90% ओवर देयर इज गोइंग टू रिमेन द वाटर. बाकी 10% में आपको यहाँ पे क्या क्या देखने के लिए आपको यहाँ मिल जाता है. सो बाकी 10% के अंदर आपको मिलेगा आपको यहाँ पे देखने के लिए कुछ स्पेशल प्रोटीन के नाम आपको याद रखने हैं. एक आपका यहाँ पे होता है फाइब्रिनोजन, इस प्रोटीन का नाम आप यहाँ पे याद रखना, वन नेम इज गोइंग टू बी माय फाइब्रिनोजन. दूसरा नाम होता है मेरे प्रोटीन का दैट्स माय एल्ब्यूमिन, अदर नेम हियर इज गोइंग टू बी माय एल्ब्यूमिन, और तीसरा नाम जो मेरा यहाँ पे आएगा दैट इज गोइंग टू बी माय ग्लोबुलिन. ये तीन नाम आपको यहाँ पे याद रखने विच बिकम अ पार्ट ऑफ माय प्लाज्मा. दिस थ्री नेम्स ओवर देयर विल बिकम अ पार्ट ऑफ माय प्लाज्मा. सो यू हैव योर 90% वाटर के अंदर, 90% वाटर तो आपको होगा, उसके साथ साथ यू विल हैव सच प्रोटीन विल बी सीन ओवर देयर. फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन आर द प्रोटीन विच आई विल बी फाइंडिंग इन देम. अब आपको यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखनी है दैट फाइब्रिनोजन जो आपका यहाँ पे होता है इसका काम यहाँ पे क्या होता है, ये आपका जब आपको कट लगता है तो ब्लड क्लॉटिंग करने में ये आपकी मदद करेगा. सो फाइब्रिनोजन इज समथिंग विच विल हेल्प यू ड्यूरिंग द ब्लड क्लॉटिंग. एल्ब्यूमिन इज समथिंग, सो याद रखना है यहाँ पे फाइब्रिनोजन आपकी मदद करता है आपके यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग के अंदर, दिस विल हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग. एल्ब्यूमिन जो आपके यहाँ पे होता है इट मेंटेन्स द ऑस्मोटिक बैलेंस, ये आपका मेंटेन करता है आपके यहाँ पे ऑस्मोटिक बैलेंस को ये अपना यहाँ पे मेंटेन करेगा, राइट. और ग्लोबुलिन जो आपका यहाँ पे होता है, ग्लोबुलिन इज समथिंग विच इज गोइंग टू प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग, इट इज गोइंग टू बी बेसिकली गोइंग टू बी द डिफेंस, ये डिफेंस आपके यहाँ पे मदद करता है, मतलब आपको बॉडी में बचाता है आपको फॉरेन पैथोजन से. आई होप आपको याद होगा हमने पढ़ा था देयर इज समथिंग कॉल्ड एज माय आईजी, याद है हमने पढ़ा था ह्यूमन हेल्थ के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन. वो इम्यूनोग्लोबुलिन यही है, दैट इज द सेम थिंग ओवर हियर. ठीक है, तो याद रखना प्लाज्मा के अंदर आपको 90% वाटर मिलता है और बाकी 10% के अंदर आपको ये सारे प्रोटीन आपको मिल जाते हैं एंड सम मिनरल आयंस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. बट ये तीन प्रोटीन के नाम आप यहाँ पे याद रखना, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन. ग्लोबुलिन आप जानते हो इट्स माय इम्यूनोग्लोबुलिन जो आपको यहाँ पे डिफेंस प्रोवाइड करेगा, IgA, IgM, IgE वो सब यहाँ पे आ जाते हैं. एल्ब्यूमिन मतलब आपका मेंटेन करता है आपको ऑस्मोटिक बैलेंस एंड फाइब्रिनोजन आपके यहाँ पे करेगा आपके यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग. सो फाइब्रिनोजन विल एक्चुअली हेल्प इन माय ब्लड क्लॉटिंग, सो दैट इज समथिंग वी विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर हियर, राइट. अब एक बात आप यहाँ पे याद रखना कि अगर मैं प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन निकाल देता हूँ, अगर मैं प्लाज्मा के अंदर से इफ आई टेक आउट प्लाज्मा में से इफ आई रिमूव, इसमें से अगर मैं रिमूव करता हूँ, इफ आई रिमूव फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन मतलब मेरा क्लॉटिंग फैक्टर. सो अगर मैं प्लाज्मा में से रिमूव करता हूँ मेरा फाइब्रिनोजन विच इज गोइंग टू बी माय क्लॉटिंग फैक्टर, जिसको मैं यहाँ पे कहता हूँ एज अ क्लॉटिंग फैक्टर, अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो मैं इसको प्लाज्मा को अब बोलूंगा यहाँ पे एज अ सीरम. सो नाउ दिस प्लाज्मा विल बी कॉल्ड एज माय, अगर मैं ये कर देता हूँ देन माय प्लाज्मा विल बी कॉल्ड एज माय सीरम, देन इस प्लाज्मा को बोल सकता हूँ यहाँ पे एज अ सीरम. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी कि अगर मैं प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को रिमूव कर देता हूँ दैट इज माय क्लॉटिंग फैक्टर, देन दैट कैन बी कॉल्ड एज माय सीरम, देन उसको हम बोल सकते हैं एज अ सीरम. तो सीरम अगर आपके सामने टर्म आ रहा है तो याद रखना दैट मींस प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर जो मेरा यहाँ पे मेरा फाइब्रिनोजन. तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस माय क्लॉटिंग फैक्टर. ठीक है, जो आपका स्ट्रॉ कलर का या विस्कस फ्लूइड आपके यहाँ पे हो जाएगा. नाउ फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर आप देखो यहाँ पे यू हैव आरबीसी, सो कॉमनली कॉल्ड एज माय रेड ब्लड सेल्स, राइट. इनके अंदर आपको मिलता है हीमोग्लोबिन, अमाउंट कितना आपको यहाँ पे 50 से 55 लाख्स पर क्यूबिक मिलीमीटर इज समथिंग दैट्स द अमाउंट यू विल गेट टू सी, राइट. कहाँ पे बनते मेरे आरबीसी, हमेशा आई विल फाइंडिंग फॉर्मिंग दम इन द बोन मैरो. सो बोन मैरो में बनते हुए आपको मिल जाएंगे, दे हैव अ बाय कॉन्केव शेप एंड न्यूक्लियस यहाँ पे एब्सेंट होता है.
सवाल ये आता है कि न्यूक्लियस यहाँ पे एब्सेंट क्यों है, न्यूक्लियस यहाँ पे एब्सेंट इसलिए है ताकि हम पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर सके हीमोग्लोबिन के साथ। ये बात याद रखना, ये सवाल आपके सामने आ सकता है कि क्यों आरबीसी के अंदर आपको न्यूक्लियस नहीं मिलता, यार वहां पे न्यूक्लियस रखने की ना रखने की वजह क्या होती है, ताकि आप पूरे स्पेस को यूज कर सको टू कैरी द हीमोग्लोबिन, ताकि वही हीमोग्लोबिन आपकी मदद कर सकेगा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के अंदर। सो लाइफ स्पैन जो यहाँ पे होता है दैट्स गोइंग टू बी अराउंड 120 डेज का लाइफ स्पैन आपको मिल जाता है। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो 120 डेज का लाइफ स्पैन यू विल गेट टू सी ओवर हियर। सो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है आपके यहाँ पे आरबीसी का, सो यू शुड नो दैट द प्राइमरी फंक्शन इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर गैशियस ट्रांसपोर्ट। सो गैशियस ट्रांसपोर्ट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ माई आरबीसी, जिसमें आपका ऑक्सीजन भी आप ट्रांसपोर्ट कराते हैं और आप CO2 भी एक सर्टन अमाउंट में आपका आरबीसी के थ्रू आपका ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो दैट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ माई आरबीसी। याद रखना आरबीसी का लाइफ स्पैन यहाँ पे कितना होता है, आई होप ये बात आपने वजन में पड़ी होगी, दैट्स गोइंग टू बी अराउंड लाइक 120 डेज। ये सब आपको यहाँ पे स्मॉल स्मॉल चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स अबाउट द आरबीसी व्हिच यू हैव टू नो। अब ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, दीज आर द बेसिक थिंग्स, नंबर कितना है, हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर, दीज आर द सम ऑफ द बेसिक थिंग्स यू ऑलरेडी नो। देन वी हैव द WBCs, यहाँ पे हम जानते हैं हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स कलरलेस होते हैं, 6,000 to 8,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। न्यूक्लियस इनके अंदर आपको मिलेगा, लाइफ स्पैन वेरी करता है 3 to 4 days, ये वेरी करता है, सेल टू सेल आपका वेरी करेगा। एंड मेजोरिटी मेजरली दे विल हैव टू कैटेगरीज, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ग्रैनुलोसाइट्स जो हमने वहां पे देखे थे। सो ये दो कैटेगरीज आपको यहाँ पे मिल जाती है देखने के लिए, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट माय फॉर्म्ड एलिमेंट्स की जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो याद रखना यू हैव दिस टू कैटेगरीज, यू हैव अ ग्रैनुलोसाइट्स एंड यू हैव अ ग्रैनुलोसाइट्स, ये दो कैटेगरीज आपको यहाँ पे मिल रही होती है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, हाईएस्ट आपके न्यूट्रोफिल्स है, सबसे लीस्ट आपके यहाँ पे बेसोफिल्स, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। वापस बता रहा हूँ, आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन से सेल्स मेरे यहाँ पे होते हैं जो फैगोसाइटोसिस कर सकते हैं, देन आपका आंसर यहाँ पे सिंपल होगा, न्यूट्रोफिल्स एंड योर मोनोसाइट्स, ये मेरे कर सकते हैं फैगोसाइटोसिस, दैट मींस ये जाके किसी फॉरेन पैथोजन को डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। और बेसोफिल के बारे में एक और चीज याद रखना कि रिलीज करता है आपका हिस्टामाइन, यहाँ पे रिलीज करेगा, इट इज नोन टू रिलीज द हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन जैसे मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे रिलीज किए जाते हैं, एंड इट प्लेज अ रोल इन योर इन्फ्लेमेशन। जब भी आपके स्किन के अंदर रेडनेस होता है ना, एकदम से आपका रेडनिंग हो जाता है स्किन के अंदर, इन्फ्लेमेशन जब होता है आपका या स्वेलिंग होती है, तो वो टाइम पे बेसोफिल एक रोल प्ले करता है। सो बेसोफिल हैज अ रोल इन गिविंग द इवेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन, सो इन्फ्लेमेशन के अंदर ये एक सर्टन अमाउंट ऑफ रोल यहाँ पे प्ले करता है बाय रिलीजिंग द हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। सो इन्फ्लेमेशन के टाइम पे यहाँ पे एक रोल प्ले करता है, ठीक है। नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे रोल्स यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं, मैं सबको यहाँ पे रिपीट करूंगा, बस कुछ के तरफ यहाँ पे ध्यान दूंगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं अबाउट द बेसोफिल, लीस्ट इन नंबर, सिक्रेट हिस्टामाइन सेरोटोनिन हिपेरिन यहाँ पे रिलीज करेगा वो, एंड हैज इन्वॉल्व्ड इन अ रोल ऑफ योर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में आपको रोल प्ले करता है, ओके। देन यू हैव अ इओसिनोफिल, इओसिनोफिल जो आपके यहाँ पे होता है ये रिलीज करता है इन्फेक्शन, एंड ऑल्सो हैव सम रोल टू बी प्लेड इन द एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पे भी अपना रोल प्ले करेगा। अब एलर्जी के टाइम पे बेसोफिल भी रोल प्ले करता है, बट क्योंकि आपके एनसीईआरटी यहाँ पे कह रही है कि इओसिनोफिल प्ले कर रहा है रोल एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पे, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। सो यू हैव टू नो दैट इओसिनोफिल विल प्ले अ रोल इन द एलर्जिक रिएक्शन एंड रेजिस्ट द इन्फेक्शन एज वेल। एक और चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि जो मेरा इओसिनोफिल होता है इट ऑल्सो रेजिस्ट द पैरासाइटिक इन्फेक्शन। सो अगर कभी कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है तो वो टाइम पे इओसिनोफिल आके अपना काम करेगा, इट विल कम फॉरवर्ड एंड विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द पैरासाइटिक इन्फेक्शन, ठीक है। बाकी सबके रोल्स हम बार बार रिपीट कर चुके हैं, लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं ये भी आप देख चुके हो, तो उनको मैं रिपीट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। हाँ, ये याद रखना कि इओसिनोफिल कभी हिस्टामाइन सेरोटोनिन रिलीज नहीं करेगा, दिस विल ऑलवेज कम फ्रॉम अ बेसोफिल सेल, ठीक है, दैट इज ऑलवेज कम फ्रॉम ओवर हियर। नाउ यू हैव फॉर्म रेलिवेंट कॉलेज माई प्लेटलेट्स, दैट्स माई थ्रोम्बोसाइट्स, सो प्रोड्यूस फ्रॉम द मेगा कैरियोसाइट्स, ये आपके बनाए जाते हैं फ्रॉम द मेगा कैरियोसाइट्स, आपके यहाँ पे ये बनाए जाएंगे। ब्लड नॉर्मली कंटेन्स अराउंड 150,000 से लेकर 350,000 जितने आपके यहाँ पे प्लेटलेट्स पर क्यूबिक मिलीमीटर आपके यहाँ पे मिल जाते हैं, तो इतने सारे प्लेटलेट्स आपके ब्लड के अंदर घूम रहे होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं आपके ब्लड के अंदर फॉर्म रेलिवेंट में किसका अमाउंट सबसे कम है, तो आपका आंसर क्या होगा? ये भी ज्यादा है, आरबीसी भी ज्यादा है, जो कम रहेगा वो आपका रहेगा WBC। कितने थे? 6 से 8 हजार ही थे ना आपके WBC ब्लड के अंदर,
राइट, यू ओनली हैव 6 to 8,000 WBC इन द ब्लड, सो दैट इज व्हाई देयर अमाउंट गोइंग टू रिमेन द लेस, बट यहां पे आपके जो प्लेटलेट्स यहां पे होते हैं देयर अमाउंट इज गोइंग टू बी मच मोर हायर एंड इवन योर आरबीसी अमाउंट इज गोइंग टू बी मच मोर हायर. ठीक है, देन इन्वॉल्वड इन द कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, सो ब्लड कोएगुलेशन या क्लॉटिंग के अंदर ही आपके यहां पे काफी स्ट्रांगली आपके यहां पे इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर. राइट, सो नाउ यू हैव अ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन दिस. तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि आप ये जानते हो, आई होप दिस समथिंग व्हिच इज क्लियर टू ऑल, क्योंकि हम लोग ये देख चुके हैं इवन व्हेन वी डू इनहेरिटेंस. ठीक है, तो लेट्स इग्नोर दिस, ये आप खुद से रिवाइज कर सकते हो बिकॉज उसमें कुछ खास है भी नहीं. देन यू हैव द आरएच ग्रुप. यहाँ पे आरएच ग्रुप हम यहाँ पे देख लेते हैं. सो होता क्या है कि आपके आरबीसी के अंदर यू कैन हैव अ आरएच एंटीजन. सो समझो ये मेरा आरबीसी आपका, राइट, हो सकता है कि आपके आरबीसी के ऊपर एक एंटीजन एक्स्ट्रा हो and that antigen can be called as my, let's say you call it as a RH antigen. अगर मेरा RH वाला antigen यहाँ पे मेरा आता है, अगर मेरा RH वाला antigen यहाँ पे मेरा आता है, that means that blood group is going to be my positive blood group. वो blood group जो मेरे यहाँ पे का, वो मेरे बनेगा यहाँ पे as my positive blood group, right? अगर RH antigen present नहीं है, अगर एक RBC के ऊपर अगर RH antigen present नहीं है, then we call it as a negative blood group. मतलब अगर मैं कह रहा हूँ ना कि मेरे पास RH positive RH antigen है, then my blood group is over here is my O positive. O इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे because AB यहाँ पे नहीं है ना इसलिए. So अगर समझो आपका blood group है आपका A positive, that means आपके ऊपर RH antigen है. अगर आपका blood group है आपका B negative, that means आपके RBC के ऊपर RH antigen नहीं है. Simple. So RH antigen also observed on the surface of the RBC of majority of the human beings. Majority of the human beings के ऊपर आपको RH antigen आपके यहाँ पे मिल जाता है, right? और ये इसको आरएच एंटीजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले इसे हमने डिस्कवर किया गया था रीसस मंकी के अंदर. सो सबसे पहले मैंने इसको यहाँ पे ढूंढा था रीसस मंकी के अंदर. अब आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि रीसस मंकी जो आपके यहाँ पे थे, रीसस मकैक जो आपके यहाँ पे जो बंदर आपको मिलते थे, ये आपके घर के आसपास भी आपको दिख जाएंगे. दिल्ली में अगर आप रह रहे हो तो आपने देखा होगा ना, वो लाल मुंह वाले बंदर नहीं घूम रहे होते हमारे आसपास, दौड़ रहे होते छोटे वाले, उनको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ रीसस मंकी. तो उनके अंदर सबसे पहले हमें यहाँ पे मिला था आरएच एंटीजन एंड देन बाद में ये ह्यूमंस में भी आपको देखने के लिए मिल गया था. सो आरएच पॉजिटिव इफ आरएच एंटीजन इज प्रेजेंट, आरएच नेगेटिव अगर आपका एंटीजन यहाँ पे आपका प्रेजेंट नहीं है, तो सिंपल सी बात है, राइट. तो अगर मेरा ब्लड ग्रुप है ए बी पॉजिटिव, दैट मीन्स वॉट कि मेरे ऊपर होगा एक तो ए एंटीजन बी एंटीजन, ये तो मेरे पास दो होंगी, और उसके साथ साथ आई विल ऑल्सो हैव आरएच एंटीजन. इन दोनों के साथ साथ आई विल ऑल्सो हैव द आरएच एंटीजन, तभी मैं कह सकता हूँ कि मेरा ब्लड ग्रुप है यहाँ पे मेरा ए बी पॉजिटिव. ये चीज आया क्लियर है आप सबको यहाँ पे? इज दिस क्लियर टू यू? यस सर. यस सर. स्टोरी ऑफ माय आरएच एंटीजन, ये आपको यहाँ पे याद रखना है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ माय इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटिलिस, ये हम यहाँ पे सीख लेते हैं. तो ये कहानी को एक बार फटाफट सुन लो और समझ लो यहाँ पे कि यहाँ पे करना क्या है हमें. सो अज्यूम करो दैट देयर इज अ वुमन, एक यहाँ पे वेमेन है, राइट, एंड शी इज अ प्रेग्नेंट वेमेन. सो एक यहाँ पे वेमेन है एंड हर ब्लड ग्रुप इज गोइंग टू बी लाइक, लेट्स से हर ब्लड ग्रुप इज माय आरएच नेगेटिव. इनका ब्लड ग्रुप जो यहाँ पे है दैट इज गोइंग टू बी योर आरएच नेगेटिव. सो इनका ब्लड ग्रुप जो यहाँ पे आपका आएगा वो आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे आरएच नेगेटिव. सो लेट मी जस्ट, इनका ब्लड ग्रुप यहाँ पे आपका जो होता है दैट विल बी योर आरएच नेगेटिव. ठीक है, एक लड़की जिसका आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, she becomes pregnant. So she becomes pregnant over here, right? So that pregnant woman has a baby, right? और जो fetus यहाँ पे develop कर रहा होगा ना इनके अंदर, जो fetus यहाँ पे develop कर रहा है, so fetus will be having RH positive blood group. So fetus के अंदर आपको मिलेगा आपका यहाँ पे RH positive blood group. तो कहानी की outline आप यहाँ पे समझ जाओ पहले, कि जो मदर है यहाँ पे शी इज गोइंग टू बी आर एच नेगेटिव, लेकिन जो फीटस वहां पे डेवलप कर रहा है हु इज गोइंग टू बी आर एच पॉजिटिव. पहले ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे होता क्या है. नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी केयरफुली. अगर मदर, इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, समझो ये वुमेन की साइड है, हमें कहोगे मेटरनल साइड है, ये मदर की साइड है, दिस इज माई मेटरनल साइड. अब मेटरनल साइड के अंदर अगर आपके पास आर एच नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, अगर इनका ब्लड ग्रुप है आपका यहाँ पे आर एच नेगेटिव, सो दैट मीन्स वॉट,
क्या इनके आरबीसी के ऊपर आरएच एंटीजन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर। राइट, सो इनके आरबीसी के ऊपर कोई भी आरएच एंटीजन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो अगर इनके आरबीसी के ऊपर आरएच एंटीजन नहीं होता ना, तो मदर की बॉडी क्या कर सकती है? मदर की बॉडी रख सकती है एंटीबॉडी फॉर माय आरएच एंटीजन। एक बार फिर सुनो, अगर मदर का आरबीसी है, अगर मदर के आरबीसी के ऊपर कोई आरएच वाली एंटीबॉडी नहीं, आरएच वाला एंटीजन नहीं है, तो मदर की बॉडी क्या कर सकती है? मदर के ब्लड के अंदर यू कैन सी नंबर ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट आरएच एंटीजन। ये मदर की बॉडी के अंदर कई सारे आपको आरएच वाले एंटीबॉडी आपको मिल जाए, सो दीज आर माय आरएच वाले एंटीबॉडी। अब आरएच वाले एंटीबॉडी अगर मदर की बॉडी के अंदर है, वो कभी भी आरबीसी को जाके टारगेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आरबीसी के ऊपर आरएच एंटीजन है ही नहीं। तो ये बात आप समझो कि अगर कोई पर्सन है जो है आरएच नेगेटिव, दैट मींस उनके आरबीसी के ऊपर आरएच एंटीजन तो प्रेजेंट नहीं होगा। अगर उनके आरबीसी के ऊपर आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, देन आप उनके ब्लड के अंदर आरएच एंटीबॉडी आप देख पाओगे। सो यू विल हैव इन देयर ब्लड, यू विल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ आरएच एंटीबॉडी, क्योंकि वो एंटीबॉडी कभी भी उसे जाके टारगेट नहीं करेगी, कभी भी उसे जाके वहां पे पकड़ेगी नहीं, उस आरबीसी को कभी जाके पकड़ेगी नहीं, लाइक अटैक नहीं करेगी, बिकॉज इट डज नॉट हैव अ आरएच एंटीजन। सिमिलरली आप ये बात भी समझो कि अगर ये फीटल की साइड पे अगर हम देखें, अगर एक फीटस आपका ग्रो कर रहा है और फीटस के साइड पे हमने क्या बोला, दैट फीटस इज गोइंग टू बी योर आरएच पॉजिटिव। अगर मेरा फीटस यहाँ पे आरएच पॉजिटिव है, सो दैट मींस व्हाट, क्या इसके आरबीसी के ऊपर आरएच एंटीजन होगा या नहीं होगा? यस सर, बिल्कुल होगा। इनके आरबीसी के ऊपर यू विल ऑलवेज हैव प्रेजेंस ऑफ आरएच एंटीजन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे आरएच एंटीजन अगर आपको मिल रहा है आपके आरबीसी के ऊपर, तो आप ये भी बात आप यहाँ पे ध्यान रखना, दिस इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट इन दैट केस फीटस का जो ब्लड होगा ना, उसके अंदर आपको आरएच एंटीबॉडी आपको नहीं मिलेगी। सिंपल सी बात है, अगर आपके आरबीसी के ऊपर आरएच एंटीजन है, अगर आपके आरबीसी के ऊपर आरएच एंटीजन है, देन आपको देर विल बी नो एंटीबॉडी अगेंस्ट आरएच, नो एंटीबॉडी फॉर आरएच। सिंपल सी बात है ना, आप नहीं रख सकते। अगर आपने आरएच वाली एंटीबॉडी यहाँ पे रखी होती, तो बताइए, याद रखना एंटीबॉडी हमेशा टारगेट करती है एंटीजन को। एक रूल दिमाग में बिठा लो कि एंटीबॉडी हमेशा टारगेट करती है एंटीजन को। तो अगर मेरे पास है यहाँ पे, अगर ये है मेरे यहाँ पे आरएच वाली एंटीबॉडी, अगर मेरे यहाँ पे है प्रेजेंट, तो ये हमेशा टारगेट करेगी आरएच एंटीजन को। तो ये जाके ढूंढेगी आरएच एंटीजन को, उसे वहां पे टारगेट करेगी, मतलब उसे अटैक करेगी। और ये तो हम नहीं चाहते ना, सिंपल सी बात है, ये तो आप नहीं चाहते। तो कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई पर्सन आरएच पॉजिटिव होगा, उसके अंदर आरएच एंटीबॉडी होगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये पॉसिबिलिटी कभी नहीं मिलती, ठीक है? बिकॉज अगर ऐसा हुआ, देन ये क्या करेगा, ये जाके इसको अटैक करना चालू करेगा, और अटैक की वजह से आरबीसी की वहां पे डेथ हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि फीटस के साइड पे आपके पास मिलेगी नो आरएच एंटीबॉडी, मतलब फीटस जब डेवलप कर रहा है तो उसके ब्लड आरएच एंटीबॉडी, लेकिन जब मदर है, जो मदर है, मदर के अंदर तो आरएच नेगेटिव है ना वो, तो इन हर बॉडी यू कैन हैव द आरएच एंटीबॉडी आपको यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है? क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग, सच्ची बताओ, क्या ये बात? दिल्ली वाले बच्चों को भी आई होप समझ आ रहा है ये सब चीजें, अगर समझ आ रहा है प्लीज बता देना। अब आप जानते हो कि ये जो मेरी दोनों कंडीशंस यहाँ पे है ना, दोनों जो मेरे मदर और फीटस है, जब प्रेगनेंसी के दौरान ये किससे कनेक्टेड है? वाया प्लेसेंटा। यू नो दैट योर मदर एंड फीटस विल बी ऑलवेज कनेक्टेड टू ईच अदर, एंड दैट कनेक्शन इज ऑलवेज गोइंग टू बी वाया प्लेसेंटा। तो ये कनेक्शन आपके यहाँ पे जो होगा, दैट कनेक्शन इज ऑलवेज गोइंग टू बी वाया प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के थ्रू आपके मदर और फीटस आपके यहाँ पे कनेक्टेड है, लेकिन ये प्लेसेंटा अलाउ नहीं करता मदर के साइड से आरएच एंटीबॉडी को वहां पे जाने के लिए। सिंपल सी बात है, वो अलाउ नहीं करता, अगर वहां पे चले गए तो प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है? सो आरएच एंटीबॉडी यहाँ पे रह रही है मदर के साइड पे बिना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, और यहाँ पे आपका फीटस डेवलप कर रहा है, राइट? अब होता क्या है जब पहली डिलीवरी होती है, अब देखो यहाँ पे होता क्या है, व्हेन द फर्स्ट डिलीवरी हैपेंस, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती। So when the first delivery happens, so during the first delivery, what will happen? That is going to be normal delivery. मतलब normal baby आपके यहाँ पे born है, so there's going to be normal delivery. Normal baby is born. लेकिन एक और बात आप यहाँ पे समझो कि जब पहली बार डिलीवरी यहाँ पे होती है ना, तो वो टाइम पे आपका प्लेसेंटा रप्चर करेगा। सिंपल सी बात बेटा, जब आपका डिलीवरी होने वाला था, आफ्टर द गैस्ट्रेशन पीरियड, जब पार्चुरेशन होता है, तब आपका प्लेसेंटा ब्रेक होता है।
तो जब प्लेसेंटा ब्रेक होगा ड्यूरिंग द फर्स्ट डिलीवरी व्हाट विल हैपन, द प्लेसेंटा इज गोइंग टू ब्रेक. और जब प्लेसेंटा ब्रेक होता है ड्यूरिंग द फर्स्ट डिलीवरी व्हाट विल हैपन, द प्लेसेंटा इज गोइंग टू ब्रेक. और जब प्लेसेंटा ब्रेक होता है तो वो टाइम पे क्या होगा, देयर इज गोइंग टू बी अ मिक्सिंग ऑफ ब्लड, देयर इज गोइंग टू बी अ मिक्सिंग ऑफ ब्लड. और अगर आपका यहाँ पे ब्लड का मिक्सिंग यहाँ पे हो रहा है, अगर आपका ब्लड का मिक्सिंग यहाँ पे हो रहा है, तो समझ जाओ कि जो RH एंटीबॉडी थे मदर के साइड पे, वो आके देख लेंगे फीटस के RBC को. समझो इस बात को कि अगर आपका मिक्सिंग हो रहा है यहाँ पे ब्लड का, ब्लड मिक्सिंग मतलब मदर और फीटस का ब्लड यहाँ पे थोड़ा सा आपका मिक्स होगा. तो अगर आपके यहाँ पे ब्लड अगर आपके यहाँ पे मिक्स होगा, देन दैट मीन्स वॉट कि जो RH एंटीबॉडी थे यहाँ पे, RH एंटीबॉडी जो थे आपके यहाँ पे, ये कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं फीटस के RBC के साथ. फीटस का जो RBC वहां पे आपका था उसके कॉन्टेक्ट में ये लोग आ जाते हैं, उससे वो लोग वहां पे देख लेते हैं. तो दे विल कम इन कॉन्टेक्ट विद द फीटल RBC. अब जैसे ही उसके कॉन्टेक्ट में आते हैं, सो दे रियलाइज कि अच्छा ये तो एक ऐसी चीज है जो काफी टाइम से हमारे साथ रह रही थी लेकिन हमें मालूम नहीं था. सो वॉट हैपन्स ना, द RH एंटीबॉडी गेट सेंसिटाइज, दे बिकम सेंसिटाइज, दे बिकम सेंसिटाइज. सेंसिटाइज होना मतलब इसको पहचान लेना, इसको जान लेना कि RH एंटीबॉडी था हमारे एंटीजन था हमारे बॉडी के साथ ही मतलब जुड़ा हुआ था कहीं पे, और अब इन्होंने इसे यहाँ पे देख लिया. कब देखा? ड्यूरिंग द डिलीवरी के टाइम पे. तो बेबी जब बॉर्न होता है तो बेबी तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, द बेबी इज गोइंग टू बी नॉर्मल ओवर देयर. बट जब सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी होगी तब आपका कंसर्न आएगा. नाउ अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन, जब सेकेंड टाइम द गर्ल विल गेट प्रेग्नेंट ओवर देयर, व्हेन द सेकेंड प्रेगनेंसी हैपन, द सेकेंड During second pregnancy, so second pregnancy के दौरान अब यहाँ पे आपका concern आता है. Concern क्या आता है? आपके जो RH antibody थे यहाँ पे, ये सारे आपके sensitized हो चुके हैं. मतलब they have all understood the RH antigen. ये RH antigen को जान चुके हैं and they know इसको खत्म कैसे करना होता है. ये लोग sensitized हो चुके हैं यहाँ पे. So during the second pregnancy, what will happen? कि आपके RH antigen placenta cross करके जाएंगे fetus के side पे. तो देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि जब आपका सेकेंड प्रेगनेंसी यहाँ पे हो रहा होता है, तो अज्यूम करते हैं दिस इज माय मदर साइड, दिस इज माय मैटरनल साइड, और ये है यहाँ पे मेरा फीटल साइड, ये मेरा यहाँ पे फीटल का साइड. ठीक है, तो अब सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान क्या होगा, यू विल फाइंड कि आपके जो होंगे यहाँ पे एंटीबॉडीज, आपके जो एंटीबॉडीज आपके यहाँ पे होंगे, दोज एंटीबॉडीज RH एंटीबॉडीज विल ट्रैवल, ये करेंगे ट्रैवल, दे विल ट्रैवल फ्रॉम मैटरनल साइट टुवर्ड्स द फीटल साइट, ये आपके जाएंगे वहां पे. और अगर ये वहां तक पहुंच गए, जो कि वो लोग वहां पे पहुंचेंगे, अब आप जानते हो यहाँ पे क्या होगा, क्या होता है, क्या लगेगा आपको, क्या करेंगे लोग यहाँ पे आके, ये आके अपने जो RBCs यहाँ पे जो आपको मिलेंगे इनको वो टारगेट करना चालू करेंगे. सो दे विल स्टार्ट टारगेटिंग द RBCs ओवर देयर. तो जो RBC आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, द RBCs यू आर फाइंडिंग ओवर हियर, इनको ये लोग टारगेट करना यहाँ पे चालू करेंगे. सो नाउ दे विल स्टार्ट टारगेटिंग द RBCs, क्योंकि इन RBCs पे लगा हुआ है मेरे यहाँ पे RH एंटीजन. और अगर ऐसा होने लगता है, देन दैट इज अ कंसर्न. अगर ऐसा होता है, दैट विल लीड टू अ कंडीशन जहाँ पे यू विल फाइंड कि इट बिकम्स अ सीवियर कंडीशन फॉर द मैटरनल साइड, मतलब बेसिकली बेबी के लिए कंसर्न बन सकता है. इतने RBC की डेथ हो जाएगी कि वहां पे आपका मिसकैरेज भी हो सकता है. सो दिस बिकम्स अ कंडीशन विच इज कॉल्ड एज माय इरेट्रोब्लास्टोसिस फिटिलेसिस, जहां पे आपको याद रखना है कि आपका RH एंटीबॉडी मदर के साइड से फीटस के साइड पे जाके वहां के RBC को खत्म करना चालू करेगी, वहां के RBC को जाके वो लोग खत्म करना वहां पे चालू करेंगे. सो दैट इज समथिंग दे विल बी डूइंग ओवर देयर, एंड दिस कंडीशन ओवर देयर इज कॉल्ड एज माय इरेट्रोब्लास्टोसिस फिटिलेसिस. ये चीज आपको होती मिलती है, लेकिन याद रखना पहली डिलीवरी में आपको कंसर्न नहीं आएगा, बट सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान यू विल फाइंड ऑल द RH एंटीबॉडी विल ट्रैवल टू द फीटल साइड, और वहां पे जाके आप इसको खत्म करना चालू करेंगे. ये चीज आपके यहाँ पे होती है. सो हैव अ लुक ओवर हियर, RH नेगेटिव मदर प्रेगनेंट विद द RH पॉजिटिव चाइल्ड, ड्यूरिंग डिलीवरी मिक्सिंग ऑफ ब्लड कैन लीड टू अ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, मतलब RH एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RH एंटीजन, राइट. एट अ टाइम ऑफ सेकेंड प्रेगनेंसी, mother's RH antibodies can destroy the RBC of the second child RH positive. ये हो सकता है.
कंडीशन कैन बी फेटल, कैन कॉज एनीमिया इन जॉन्डिस, दिस इज माय इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से याद रखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर के अंदर भी, यू कैन सी इन द पिक्चर व्हाट इज बीन हैपनिंग, कि पहले प्रेगनेंसी में कुछ नहीं हो रहा, बट सेकंड टाइम एक बार आरएच एंटीबॉडी यहाँ पे होगी ना सेंसिटाइज ब्लड मिक्स होने के बाद, देन वो अगली बार जाके फेटस के आवेश को खत्म करना चालू करेगी। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्या ये बात आपको सबको समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। तो दिल्ली हिमाचल यूके एफआई सबको आई होप ये चीज यहाँ पे समझ आ रही है, ठीक है? ऑलराइट, नाउ लेट टू वन मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट माय कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड आपके यहाँ पे कैसे कोएगुलेट आपके यहाँ पे होता है? तो समझो आपको इंजरी हो गई, समझो आप दौड़ते हुए गए, समझो आप खेल लेते, आपको इंजरी हो गई, राइट? एंड द ब्लड स्टार्ट्स कमिंग आउट। सो एक तो आपका होता है इंजरी साइट, एक तो आपकी है यहाँ पे इंजरी साइट जहां पे आपको चोट लगी है, जहां से आपका खून बह रहा है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आपका ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है। तो सबसे पहले इंजरी साइट से आपका आएगा यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन। सो एक आपका आता है क्लॉटिंग फैक्टर जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन, राइट? सिमिलरली यू कैन ऑल्सो फाइंड वन मोर जगह से आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन आते हुए आपको यहाँ पे मिल सकता है, दैट इज फ्रॉम द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में से भी आपका, समझो आपको कट लग गया, आप खेल रहे थे, आपको चोट लग गई, तो प्लेटलेट्स भी भाग भाग के आएंगे वहां पे, प्लेटलेट भी अपना काम करने के लिए आएंगे। सो प्लेटलेट्स भी जब आते तो इनके एंड से भी एक टाइप का थ्रोम्बोप्लास्टिन आपके यहाँ पे रिलीज किया है। सो दे विल ऑल्सो रिलीज अ क्लॉटिंग फैक्टर विच इज कॉल्ड एज माय थ्रोम्बोप्लास्टिन फ्रॉम द प्लेटलेट्स। तो यहाँ से भी आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन आपका यहाँ पे आएगा। तो ये दो क्लॉटिंग फैक्टर आपके यहाँ पे आते हैं, दोनों क्लॉटिंग फैक्टर साथ में आके दे विल कंबाइन विद कैल्शियम आयंस, दे विल कम टुगेदर, दे विल कंबाइन विद द कैल्शियम आयंस भी यहाँ पे आपके इन्वॉल्व होंगे, एंड दैट विल लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज तो यहाँ पे ये सब मिलके एक एंजाइम बनाएंगे, एंड दैट एंजाइम ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय थ्रोम्बोकाइनेज। सो कैल्शियम आयंस के साथ मिक्स होने के बाद दे विल अल्टीमेटली गिव टू अ फॉर्मेशन ऑफ माय थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम आपके यहाँ पे बन के आएगा। और जब आपका थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा, व्हेन यू फाइंड दिस एंजाइम इज रेडी ओवर देयर, अब ये एंजाइम क्या करता है, तो एक बार फिर सुन लो। आपको इंजरी हुई, खून निकलना चालू हुआ, जहां से खून निकल जाता वहां से एक टाइप का थ्रोम्बोप्लास्टिन आपका आता है, और आपके जो प्लेटलेट्स होते हैं ब्लड के अंदर वहां से भी आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का क्लॉटिंग फैक्टर आपका आएगा, राइट? दोनों आपके थ्रोम्बोप्लास्टिन आपके यहाँ पे आके दे विल कंबाइन विद द कैल्शियम आयंस एंड दे विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम जिसका नाम आपका यहाँ पे होता है थ्रोम्बोकाइनेज। अब थ्रोम्बोकाइनेज आपका यहाँ पे क्या करता है, थ्रोम्बोकाइनेज आपका कन्वर्ट करेगा एक इनएक्टिव प्रोटीन को। क्या है वो इनएक्टिव प्रोटीन? प्रोथ्रोम्बिन। सो देयर इज वन इनएक्टिव प्रोटीन कॉल्ड एज माय प्रोथ्रोम्बिन। सो प्रोथ्रोम्बिन जो आपके यहाँ पे होता है, दिस विल गेट कन्वर्ट टू फॉर्म माय थ्रोम्बिन, दिस विल गेट कन्वर्टेड टू फॉर्म समथिंग कॉल्ड एज माय थ्रोम्बिन। याद रखना, प्रोथ्रोम्बिन जो आपके यहाँ पे होता है वो आपका कन्वर्ट कर दिया जाएगा आपके यहाँ पे थ्रोम्बिन के अंदर। ये कन्वर्ट करने में कौन मदद कर रहा है आपका यहाँ पे? थ्रोम्बोकाइनेज। सो थ्रोम्बोकाइनेज की मदद से मेरा प्रोथ्रोम्बिन यहाँ पे कन्वर्ट हो गया मेरा थ्रोम्बिन के अंदर। अभी भी खून बह रहा है, अभी भी कुछ करना बाकी है, अभी भी ये इतना कर लिया, बट दैट इज नॉट इनफ। अब थ्रोम्बिन आपका क्या करेगा? थ्रोम्बिन आपका यहाँ पे कन्वर्ट करता है, दिस विल कम फॉरवर्ड एंड विल कन्वर्ट समथिंग एल्स। तो ये आपका आगे आएगा और ये कन्वर्ट करेगा आपके फाइब्रिनोजन को, इट विल कन्वर्ट माय फाइब्रिनोजन, इट विल कन्वर्ट माय फाइब्रिनोजन, दिस विल कन्वर्ट योर फाइब्रिनोजन इंटू योर फाइब्रिन, दिस विल कन्वर्ट फाइब्रिनोजन इंटू योर फाइब्रिन। तो याद रखना, थ्रोम्बिन का काम यहाँ पे आपका ये होता है कि आपका आगे आके आपके फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करेगा इंटू योर फाइब्रिन। एक बार आपके फाइब्रिन बन गए, फाइब्रिन ये क्या होता है, वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिस इज लाइक अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जैसे ही आपका फाइब्रिन बन गया, फाइब्रिन वहां पे जाके लग जाएगा जहां से ब्लड निकल रहा है, फाइब्रिन वहां पे जाके लग जाएगा जहां पे आपका ब्लड निकल रहा है, एंड दैट इज हाउ यू स्टॉप द ब्लड क्लॉटिंग। सो फाइब्रिन विल गो एंड अटैच टू दैट पर्टिकुलर साइट जहां से आपका ब्लीडिंग हो रहा होगा, एंड दैट इज व्हेन वी विल से कि आपके यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग आपके यहाँ पे, मतलब ब्लड आपका ऊज आउट होना वहां पे बंद हो जाएगा।
So fibrin is the one which will go at the injury site and will stop the blood का bleeding आप वहाँ पे रुकेगा वो. तो आपको ये enzymes के नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं. क्या आपका thrombokinase आपका आएगा, convert my prothrombin into thrombin and then thrombin मेरा आके fibrinogen जो आप जानते हो as a clotting factor plasma वाला उसको convert किया जाएगा into the fibrin and then it will go and stop the bleeding over there. इसके अलावा आपको याद रखना है that you have your calcium ions जो आपके यहाँ पे involve हो रहे हैं, इतना याद रख लेना. उसके साथ एक और बात याद रखना कि ये सब करने के लिए यू ऑल्सो नीड विटामिन के, ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए यू ऑल्सो नीड विटामिन के एज वेल. सो विटामिन के इज ऑल्सो समथिंग विच इज गोइंग टू बी प्लेइंग अ रोल. सो विटामिन के भी आप यहाँ पे रोल प्ले करता है, कैल्शियम आयंस भी आप यहाँ पे रोल प्ले करते हैं, दैट इज समथिंग दे डू ओवर देयर एंड अल्टीमेटली दे हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड. क्या ये कहानी आप सबको याद रहेगी? यस सर. इंजरी साइड से भी कुछ आ रहा है, प्लेटलेट से भी कुछ आ रहा है, बनाओगे आप अपना थ्रोम्बोकाइनेस, कैल्शियम आयन यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे एंड देन दे विल कन्वर्ट माय प्रो थ्रोम्बिन जो इनएक्टिव है. प्रो मतलब इनएक्टिव, फाइब्रिनोजन मतलब इनएक्टिव, ये दोनों इनएक्टिव होते हैं पहले तो इनको हमें कन्वर्ट करना है. सो दिस इज गोइंग टू बी इनएक्टिव प्रोटीन, इसको हमने कन्वर्ट किया एंड देन थ्रोम्बिन कन्वर्ट करेगा मेरे यहाँ पे फाइब्रिनोजन को इनटू माय फाइब्रिन. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो. अगेन ये जो हम बता रहे हैं आपको ये बहुत सिंपल सा तरीका है, राइट? ये बहुत डिटेल में होता है एक्चुअली में देखा जाए तो, बट आपको यही याद रखना है नीट के कॉन्टेक्स्ट में. तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. सो यू हैव योर, यहाँ से भी थ्रोम्बोप्लास्टिन आपका आएगा, राइट? यहाँ से भी थ्रोम्बोप्लास्टिन आपका यहाँ पे आएगा दोनों साइड से. कैल्शियम आयन से कंबाइन करके जो बी मेरा होगा, दैट इज माय, क्या होगा मेरा बी यहाँ पे? थ्रोम्बोकाइनेस, राइट? और ये थ्रोम्बोकाइनेस मेरा कन्वर्ट करेगा मेरे प्रो थ्रोम्बिन को इनटू थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन कन्वर्ट करेगा इनटू माय थ्रोम्बिन. बिल्कुल सही, राइट? एंड देन थ्रोम्बिन आके किसको कन्वर्ट करेगा यहाँ पे? डी क्या है मेरा यहाँ पे? फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करेगा इनटू योर फाइब्रिन एंड दैट इज व्हेन यू विल फाइंड कि आपका ब्लड क्लॉटिंग रुकता है. तो ये हो गया मेरे यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग जो आपको यहाँ पे याद रखना है. सो दिस इज व्हाट दे डू ओवर देयर, ठीक है? सो आई होप ब्लड क्लॉटिंग क्लियर है आप सबको यहाँ पे. सो यस, आई वुड सजेस्ट लिम्फ आप एक बार खुद से एक बार आप पढ़ लो, बिकॉज ये भी हमने हमारे चैप्टर नंबर ह्यूमन हेल्थ में हमने यहाँ पे देखा था. सो यू कैन हैव अ लुक एट दैट लिम्फ, लिम्फोडल ऑर्गन्स, यू कैन हैव अ लुक एट बाय योरसेल्फ. नाउ लेट्स जंप ऑन टू योर सर्कुलेटरी पैटर्न्स. सर्कुलेशन आपके यहाँ पे कुछ टाइप के होते हैं, या वो ओपन वन एंड क्लोज वन, या वो ओपन सर्कुलेशन, या वो क्लोज वन. अच्छा एक बात बताओ, स्पीड ठीक है या थोड़ा कम करना है स्पीड क्लास का? I hope it goes for all of you. Himachal, Delhi, Uttarakhand, all over India, सबको ही चलेगा, ठीक है? All right. Now, so you have a open and closed circulatory system. Open में क्या होता है? That blood opens into open spaces. Blood finally reach and open into the open spaces. जो blood आपका यहाँ पे होता है, ये जाके open space में जाके open हो जाता है. So this blood will go out there and will open into the ओपन स्पेसेस के अंदर आपका जाएगा. मतलब यहाँ पे ब्लड वेसल्स आपको यहाँ पे नहीं मिलते, वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स आपको यहाँ पे नहीं मिलता है. ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको मिलेगा आपका आर्थ्रोपोड्स एंड मोलुस्का के अंदर. क्लोज्ड में व्हाट यू विल फाइंड कि ब्लड ऑलवेज ट्रेवल्स इन द ब्लड वेसल्स. आपका ब्लड हमेशा ब्लड वेसल में ट्रेवल करता है, मतलब आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज में आपका ब्लड ट्रेवल करेगा. ये आपको मिलता है एनालिटिक्स और कॉर्डेटा के अंदर. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स यू हैव टू नो. ओपन के एग्जाम्पल याद रखना, बिकॉज ये कई बार क्वेश्चन में आ जाता है. आर्थ्रोपोड्स मोलुस्का द एग्जाम्पल ऑफ माय ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जहां पे ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं. एंड योर एनिलिड एंड कॉर्डेटा आर द वन जहां पे आपको ब्लड वेसल्स आपको पे मिल जाते हैं, जिसमें आपका ब्लड ट्रेवल करता है, राइट? देन बात करते हैं हार्ट के बारे में कि हार्ट आपके यहाँ पे कैसे होते हैं. सो जब हम हार्ट की यहाँ पे बात करते हैं तो फिश विल हैव अ टू चेंबर्ड हार्ट, राइट? वन आर्ट्रियम, वन वेंट्रिकल, दैट्स इट, दो चेंबर हार्ट. Amphibians or reptiles will have a three-chambered heart. That means दो आर्ट्रिया एक वेंट्रिकल. तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा दैट अगर इनका हार्ट में बनाऊ यहाँ पे एक फ्रॉग का, तो फ्रॉग के हार्ट में आपको मिल जाएंगे आपके यहाँ पे दो वेंट्रिक आर्ट्रियम, या वो आर्ट्रियम ऑन बोथ द साइड एंड यू विल हैव अ कॉमन वेंट्रिकल, एंड यू विल हैव अ कॉमन वेंट्रिकल ओवर हियर, ठीक है? यहाँ पे आपको ऐसा कुछ आपको मिलता है देखने के लिए. तो सिंपल सी बात है बेटा आपकी कि यहाँ पे आपके दोनों आर्ट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा. And this kind of circulation जो यहाँ पे होगा ना, इसको हम कहते हैं mixed circulation. क्योंकि दो अलग अलग ventricle नहीं है ना, तो oxygen rich and oxygen less दोनों blood आपका mix हो रहा है ventricle के अंदर. Both the blood is getting mixed into a single ventricle. तो याद रखना आपके amphibians और reptiles के अंदर you will always find
मिक्स्ड सर्कुलेशन होते हुए आपको मिलता है. सो यू हैव मिक्स्ड सर्कुलेशन यहाँ पे होते मिलेगा. हमारे अंदर ऐसा नहीं होता, हमारे अंदर वी हैव टू आर्टरिया टू वेंट्रिकल्स. सो ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों यहाँ पे अलग रहते हैं. तो हमारा जो सर्कुलेशन होता है दैट्स अ डबल सर्कुलेशन, और मिक्स सर्कुलेशन कभी नहीं होता. जो भी ब्लड आपके टिश्यूज को पहुंचाया जा रहा है अभी दैट इज रिच इन ऑक्सीजन, और जो ब्लड आपका वहां से आ रहा है आपके हार्ट तक, आपके टिश्यू से हार्ट तक आ रहा है, दैट ब्लड विल हैव अ लीस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, राइट? सो वी हैव अ वेरी क्लियर कट डबल सर्कुलेशन अनलाइक द एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स. सो क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन बनेगा बिकॉज इट हैज अ फोर चेंबर्ड हार्ट. सो याद रखना, बर्ड्स, मैमल, क्रोकोडाइल विल हैव अ फोर चेंबर्ड हार्ट, टू आर्टरी, टू वेंट्रिकल. फोर चेंबर्ड हार्ट में क्या होता है देखो, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव बाय अ लेफ्ट एंड अ राइट आर्ट्रिया. सो लेफ्ट और राइट आर्ट्रिया में आपको ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको यहाँ पे मिल जाएगा रिस्पेक्टिवली एंड पासिस ऑन टू द वेंट्रिकल्स ऑफ द सेम. वेंट्रिकल्स विदाउट मिक्सिंग पंप द टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे. बिना कोई ब्लड को मिक्स करे हुए हम सेपरेटली उन्हें पंप करते हैं थ्रू आउट द बॉडी. सो याद रखना, वी हैव डबल सर्कुलेशन. बर्ड्स, मैमल्स एंड क्रोकोडाइल विल हैव अ डबल सर्कुलेशन. ठीक है, इसी चीज को हम थोड़ा सा लाइक इलेबोरेट करते हैं और. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय हार्ट इन डिटेल. सो जब हम हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट ओरिजिनेट आपका कहां से होता है? इट इज कमिंग फ्रॉम द मेसोडर्मल ओरिजिन. आपके जो मेसोडर्म होते हैं वहां से आपका हार्ट ओरिजिनेट करता है. कहां पे ये लोकेटेड है? बिटवीन द थोरैसिक कैविटी. और थोरैसिक कैविटी में भी इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. आपको भी नोटिस करना, आपका जो हार्ट यहाँ पे होता है इट इज ऑन द लेफ्ट साइड. थोड़ा सा ही आपका लेफ्ट साइड का टिल्ट होता है. इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड एंड साइज ऑफ अ क्लेंच फिस्ट. एक क्लेंच फिस्ट के साइज का आपका यहाँ पे हार्ट होगा. ठीक है, इसलिए अगर आप नोटिस करोगे तो आपका जो लेफ्ट लंग होता है वो थोड़ा सा छोटा भी होता है. योर लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर बिकॉज वहां पे एक स्पेस क्रिएट होता है वहां पे जहां पे आप हार्ट को प्लेस करते हो, जिसे हम कहते हैं एज अ कार्डियक नॉच. आपने देखा होगा जब आप रेस्पिरेशन पढ़ोगे, ब्रीदिंग पढ़ोगे, तो वहां पे एक छोटा सा स्पेस होता है, इसे हम कहते हैं कार्डियक नॉच, जहां पे आप हार्ट को प्लेस करते हो. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोर अबाउट द हार्ट ओवर हियर. सो ह्यूमन हार्ट की जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सो आई हैव टू आर्टरिया टू वेंट्रिकल्स. आई कैन वेरी क्लियरली सी दैट आई कैन सी द टू आर्टरिया टू वेंट्रिकल. अब मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा और एक दो बार रिपीट कर दूंगा, आपको याद रखनी है. राइट आर्ट्रियम के अंदर आपका जो ब्लड आता है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी माय डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. कौन लेके आ रहा है यहाँ पे ब्लड को? पहले आपको याद रखना है, ऊपर से लेके आ रहा है आपके यहाँ पे सुपीरियर वेना कैवा. वेरी गुड. सो सुपीरियर वेना कैवा जो आपका यहाँ पे होता है, दिस विल ब्रिंग द ब्लड इनटू द राइट आर्ट्रियम. आपके पैरों से या बॉडी के निचले हिस्से से जो भी आपका ब्लड आएगा दैट इज माय डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो आपका लेके आएगा आपका यहाँ पे इंफीरियर वेना कैवा. राइट, ये मेरा मुझे यहाँ पे लेके आएगा मेरे यहाँ पे इंफीरियर वेना कैवा. सो यू हैव टू नो वेरी क्लियरली दैट इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कैवा जो भी आपका ब्लड लेके आ रहे हैं इन द राइट आर्ट्रियम के अंदर, दैट ब्लड इज ऑलवेज गोइंग टू बी माय डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. दिस विल ऑलवेज गोइंग टू बी योर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब ये जो ब्लड आपका राइट आर्ट्रियम में आपका आया, ये आपका जाएगा कहां पे? इट विल गो इनटू द राइट वेंट्रिकल. यहां से आपका ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट? और फिर वो वहां से जाता है टुवर्ड्स द लंग्स. याद रखना, राइट वेंट्रिकल से आपका ब्लड सीधे जाएगा आपका लंग्स की तरफ. कैसे जाएगा वो हम आगे देखते हैं. बढ़िया, रखना, राइट वेंट्रिकल से इट विल गो टुवर्ड्स द लंग्स. लेफ्ट वेंट्रिकल में जो आपका ब्लड आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जो आपका ब्लड आएगा दैट इज माय ऑक्सीजन रिच ब्लड, या मैं कहूंगा उसे एज अ ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और ये आपका आएगा वाया पल्मोनरी वेन. ये जो दो आपको यहाँ पे दिख रही है ना, अज्यूम दैट दिस आर माय पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन, थोड़ा थोड़ा करके याद रखो कि आपके जो लेफ्ट आर्टरी में ब्लड आ रहा है दैट्स अ ऑक्सीजन रिच ब्लड. कौन लेके आ रहा है? दैट इज ब्रॉट बाय माय पल्मोनरी वेन. और ये ब्लड आ कहां से रहा होता है? इट इज कमिंग फ्रॉम द लंग्स. लंग्स ही होता है जो आपके ऑक्सीजन के अंदर, आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन फिल करता है, और फ्रॉम देयर यू विल ब्रिंग दैट इनटू द लेफ्ट आर्ट्रियम बाय पल्मोनरी वेन. लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड आपका आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, एंड देन वहां से वो जाएगा थ्रू आउट द बॉडी, एंड फ्रॉम देयर इट विल गो थ्रू आउट द बॉडी. दैट्स अ बेसिक सर्कुलेशन जो आप मल्टीपल टाइम्स एक दो बार और देखोगे ताकि आपको वो फिट हो जाए. अब याद आपको ये भी रखना है कि आपके जो वेंट्रिकल्स होते हैं दे आर मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द आर्ट्रिया. याद रखना, वेंट्रिकल्स आर गोइंग टू बी मच मोर मस्कुलर देन द आर्ट्रिया. तो ये बात भी दिमाग में बैठा लो कि जो मेरे वेंट्रिकल्स यहाँ पे होते हैं दे आर गोइंग टू बी मच मोर मस्कुलर.
they are going to be much more muscular than your artery. तो ये जो आपके ventricles आप कहते हैं much more muscular, ये ज्यादा आपके muscular होते हैं compared to my artery. ये बात आपको याद रखनी है. So ventricles are always going to be muscular than the artery. क्योंकि इनका pump करना पड़ता है ना blood throughout the body. That's why they are much more muscular. इसमें से भी अगर आपसे पूछा जाए ना कि राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में से ज्यादा मस्कुलर कौन है, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल राइट. लेफ्ट वेंट्रिकल क्योंकि आपको मस्कुलर इसलिए यहाँ पे होता है बिकॉज यहाँ से आपको ब्लड जाएगा थ्रू आउट द बॉडी. सो दैट इज व्हाई इट हैज टू बी मच मोर स्ट्रॉन्गर ओवर देयर. ठीक है. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो. यू कैन सी दिस थिंग मल्टीपल टाइम्स. अच्छा, अब जब हम यहाँ पे हार्ट की बात करते हैं, हार्ट के अंदर यू विल हैव अ डबल मेम्ब्रेन कवरिंग, और डबल मेम्ब्रेन कवरिंग को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ पेरिकार्डियम. सो हार्ट विल हैव अ डबल मेम्ब्रेन कवरिंग एंड दैट डबल मेम्ब्रेन कवरिंग विल कॉल्ड एज माई पेरिकार्डियम. और उस दो मेम्ब्रेन के अंदर बीच में आपको एक फ्लूइड मिलता है. सो दो मेम्ब्रेन के बीच में यू विल हैव सम काइंड ऑफ फ्लूइड एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज माय पेरिकार्डियल फ्लूइड. इन्फॉर्मेशन है याद रखना. सो डबल मेम्ब्रेन कवरिंग जो आपकी हार्ट के ऊपर से हम कहते हैं यहां पे एज अ पेरिकार्डियम, और जो बीच में आपको फ्लूइड मिलेगा दैट इज माय पेरिकार्डियल फ्लूइड. ये प्रोटेक्ट करता है आपको मैकेनिकल शॉक से. आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, लड़ रहे हो, चीजें फेंक के मार रहे हो एक दूसरे को, तो टाइम पे हार्ट के अंदर जो जर्क क्रिएट होता है, जो मैकेनिकल शॉक क्रिएट होता है, उसे एब्जॉर्ब करता है मेरे यहाँ पे pericardial fluid, right? Then you have four chambers, you know that, चार चैम्बर आप यहाँ पे जानते हो, right? आपके दो आर्ट्रिया एक दूसरे से यहाँ पे सेपरेट किए जाते हैं वाया इंटर आर्ट्रियल सेप्टम. तो टू आर्ट्रियल सेपरेट फ्रॉम इच अदर वाया इंटर आर्ट्रियल सेप्टम. आपके दो वेंट्रिकल एक दूसरे से यहाँ पे सेपरेट किए जाएंगे वाया इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. इनके थ्रू आप अपने वेंट्रिकल्स को भी आप अपना यहाँ पे सेपरेट कर सकते हो. सिमिलरली आपके दोनों आर्ट्रिया दोनों वेंट्रिकल से सेपरेट होते हैं वाया आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम. सो दीज आर द डिविजन्स ऑफ द हार्ट, राइट? नाउ यहाँ पे आके हम खड़ा और यहाँ पे देखते हैं. सी आपका यहाँ पे है, यू हैव द राइट आर्ट्रियम, यू हैव द राइट वेंट्रिकल, यू हैव द लेफ्ट आर्ट्रियम, यू हैव द लेफ्ट वेंट्रिकल. राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में जो आपको यहाँ पे जो वाल्व मिलेगा, दैट वाल्व ओवर देयर इज कॉल्ड एज माय ट्राइकस्पिड वाल्व. ये जो वाल्व मुझे यहाँ पे मिलता है दैट इज कॉल्ड इज माय ट्राइकस्पिड वाल्व. ठीक है, दैट इज गोइंग टू कॉल्ड इज माय ट्राइकस्पिड वाल्व मुझे यहाँ पे मिल जाएगा. ऑन द अदर हैंड सिमिलरली लेफ्ट आर्ट्री और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो मुझे यहाँ पे वाल्व मिलता है दैट इज कॉल्ड एज मिट्रल वाल्व. इसे मैं मिट्रल वाल्व भी कह सकता हूँ या फिर मैं इसे इवन कह सकता हूँ एज अ बाइकस्पिड वाल्व. इसको मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एज अ मिट्रल वाल्व, या मैं इसको इवन कह सकता हूं एज अ बाइकस्पिड वाल्व. तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना दैट यू हैव अ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व बिटवीन द राइट एंड द बिटवीन द आर्टरी एंड द वेंट्रिकल्स. इनको हम इवन कलेक्टिवली यहाँ पे इवन कहते हैं एज अ आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व. वी ऑल्सो कॉल इट एज अ आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व. जो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यू कैन सी ओवर हियर ट्राइकस्पिड मिट्रल वाल्व आपको मिलेगा. अब वाल्व का काम क्या होता है, टू अवॉइड द बैकफ्लो ऑफ ब्लड. सिंपल सी बात है, अगर आपका ब्लड आर्ट्रिया से वेंट्रिकल में आ रहा है तो वो वापस पीछे नहीं जाना चाहिए. सिंपल रूल. सो दे अवॉइड द बैकफ्लो ऑफ ब्लड, समथिंग यू नो दैट. मेरे जो वाल्व यहाँ पे होते हैं इनका बेसिकली आपका काम यहाँ पे होता है टू अवॉइड द बैकफ्लो ऑफ ब्लड. दे अवॉइड बैकफ्लो ऑफ ब्लड, दैट इज वॉट दे आर नोन फॉर. यही चीज के लिए लोग यहाँ पे जाने जाते हैं. अब यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, लेट्स हैव अ लुक एट कपल ऑफ मोर थिंग्स. लाइक इसमें एक और चीज हम यहाँ पे देखते हैं. तो ये चीज हम यहाँ पे देख पा रहे हो, वी कैन वेरी क्लियरली सी फ्यू थिंग्स ओवर हियर. अब इसमें आप एक और चीज यहाँ पे देखोगे कि जब मेरा ब्लड आ रहा है राइट वेंट्रिकल के अंदर, जब मेरा ब्लड यहाँ पे आ चुका है राइट वेंट्रिकल के अंदर, यहां से मेरा ब्लड कहाँ पे जाता है? यहां से हम जानते हैं द ब्लड विल गो टुवर्ड्स द लंग्स, राइट? From here, it will go towards the lungs. अब ये lungs की तरफ जो मेरा यहाँ पे ब्लड जा रहा है वो कौन से ब्लड वेसल के थ्रू जाएगा? Then आपका आंसर यहाँ पे होगा pulmonary artery. This will go via pulmonary artery. So pulmonary artery के थ्रू आपका ब्लड जाता है from right ventricle towards the lungs. ये बात आपको याद रखनी है, pulmonary artery के थ्रू आपका जो ब्लड यहाँ पे जाएगा right ventricle के अंदर, ये जाएगा towards the lungs, आपका जो पहुंच रहा होगा That is via pulmonary artery. On the other hand, जो आपका जो left ventricle यहाँ पे आपका होगा, जो left ventricle आपका यहाँ पे होगा, यहाँ से आपका blood जाएगा throughout the body via aorta. This is my aorta.
सो वाया aorta यू विल फाइंड द ब्लड विल गो थ्रू आउट द बॉडी. कहां से? लेफ्ट वेंट्रिकल से. सो फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू आउट द बॉडी द ब्लड विल गो वाया aorta. ये सर्कुलेटरी पाथवे हमेशा याद रखना. जब ब्लड आएगा राइट आर्ट्रियम के अंदर, यहां से इट विल गो इनटू द राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल से इट विल गो टुवर्ड्स द लंग्स वाया पल्मोनरी आर्टरी. लंग्स में से आपका ब्लड वापस आएगा आपके लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर. और ये कैसे वापस आएगा? वाया ये वापस आ जाएगा. और लेफ्ट आर्टरियम से इट विल गो इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल और वहां से ये जाएगा थ्रू आउट द बॉडी वाया aorta. पाथवे पहले आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए. नाउ लेट्स डू वन थिंग बिफोर गोइंग फॉरवर्ड. कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके थोड़ा सा हम यहाँ पे अश्योरेंस लेते हैं चीजों का एंड देन आगे बढ़ते हैं. सो पहले एक दो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं विच इज आर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ब्लड. सो मैच द कॉलम 1 and 2 ओवर हियर. कॉलम 1 and 2 आप हमें मैच करके बताइए इसके अंदर आपका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा. सो लेट्स हैव अ लुक एट कॉलम 1 and 2 यहाँ पे आपका क्या आएगा. ध्यान से करना बिकॉज यहाँ पे दो काफी सेम टर्म्स लिखे हुए हैं. दैट इज व्हाई यू हैव टू बी स्लाइटली केयरफुल ओवर देयर. ठीक है. Now raise your hand to answer this. देख लो पहले आराम से and then raise your hand. Column 1, column 2, क्या हो गया? इतना क्यों टाइम लग रहा है? चलो देख लो आराम से. चलो राइट. क्या लग रहा है जानवी, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए. ऑप्शन ए आपको यहाँ पे लग रहा है. मोनिका क्या लग रहा है आपको इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए. ऑलराइट, चलिए इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं. सो यू हैव ओवर हियर यू हैव दिस मैजिफाइल इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है. सो पहले आपके सामने यहाँ पे इयोसिनोफिल बेसोफिल आपके सामने रखा हुआ है. बेसोफिल के बारे में आपको बताया था कि ये रिलीज करता है समथिंग नोन एज माई हिस्टामाइन सेरोटोनिन हिपेरिन यहाँ पे रिलीज करता है. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन है. रिलीज हिस्टामाइनेज, ये हिस्टामाइन नहीं है, ये एंजाइम है. इट इज नॉट अ हिस्टामाइन. आप लेकिन अगर नीचे देखते हो देन बेसोफिल के साथ मेरा ऑप्शन 4 यहाँ पे लग सकता है. रिलीजेज द ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग द हिस्टामाइन यहाँ पे आपको लिखा हुआ है. सो दैट इज वाई बेसोफिल के साथ आपके यहाँ पे ऑप्शन 4 आपके यहाँ पे अटैच हो जाएगा. न्यूट्रोफिल के साथ आप जानते हो न्यूट्रोफिल्स आर नोन फॉर माय फैगोसाइटोसिस. याद रखना न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर नोन फॉर माय फैगोसाइटोसिस. इसलिए सी के साथ मेरा यहाँ पे आएगा ऑप्शन 2. लिम्फोसाइट्स आप जानते हो दे विल मेक माय टी सेल्स एंड बी सेल्स. तो डी के साथ मेरा यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर 1. एंड इओसिनोफिल के साथ मेरा अल्टीमेटली यहाँ पे आ जाएगा मेरा यहाँ पे समथिंग कॉल्ड एज योर हिस्टामाइनेज विच इज अ डिस्ट्रक्टिव एंजाइम. तो आपके हिसाब से यहाँ पे जो सही आंसर यहाँ पे आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन ए. ठीक है. यहाँ पे कंफ्यूजिंग पार्ट क्या था? यहाँ पे हिस्टामाइनेज लिखा हुआ था. दैट इज नॉट अ हिस्टामाइन, दैट इज अ एंजाइम जो इओसिनोफिल से आपका आ सकता है. राइट, बट हिस्टामाइन आपका हमेशा आएगा फ्रॉम द बेसोफिल. सो दैट इज व्हाई यू हैव टू बी स्लाइटली केयरफुल इन दिस. ठीक है, इसका आंसर देके बताओ. दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग आपके सामने, देख लो ध्यान से एंड देन रेज योर हैंड. क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? फाइब्रिनोजन ग्लोबुलिन एल्ब्यूमिन आपके सामने एंड यू हैव दिस कॉलम बी ओवर हियर. बताइए पीयूष क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर डी ऑप्शन. ऑप्शन डी के रहो आप यहाँ पे. प्रियांशी क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन डी. एंड कोमल शर्मा आपको? सर डी. ठीक है, देख लेते हैं. फाइब्रिनोजन के साथ आपका यहाँ पे आएगा इट विल प्ले द रोल इन माय ब्लड क्लॉटिंग. राइट, ग्लोबुलिन आपका प्रोवाइड करेगा आपके यहाँ पे डिफेंस. ठीक है, एंड एल्ब्यूमिन आपका प्रोवाइड करेगा आपके ऑस्मोटिक बैलेंस. सो यस, ऑप्शन डी बनेगा मेरे यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. दिस ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर. Then, question number 4. Name the blood cell whose reduction in the number can cause the clotting disorder, leading to excessive loss of blood from the body. कौन से ब्लड सेल जिनका अगर अमाउंट कम हो गया then you can have a clotting disorder यहाँ पे. So question number 4 का यहाँ पे क्या आंसर बन सकता है? बताइए अक्षरा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर डी. और एक हिम्मत सिंह क्या लग रहा है इसका आंसर? सर 4. Thrombocyte over there becomes my correct answer. अगर आपके platelets का amount कम हो गया, thrombocytes are nothing but my platelets. अगर platelets का amount अगर आपके यहाँ पे कम हो रहा है, then surely you will have a clotting disorder आपके यहाँ पे होते हुए आपके यहाँ मिल जाएगा. Serum differs from blood in. Serum आपका blood से differ कैसे करता है? Like serum के अंदर ऐसा क्या नहीं होता जो
उसे अलग बनाता है. सो देखो ध्यान से एंड देन रेज योर हैंड. बताइए मुस्कान कुमारी क्या होगा इसका आंसर. अच्छा आप देख रहे हो अभी, ठीक है. जानवी क्या लग रहा है इसका आंसर आपको यहाँ पे. ऑप्शन सी. राइट. काजल क्या होगा इसका आंसर. ऑप्शन सी. राइट, ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर. क्लॉटिंग फैक्टर जब नहीं होते, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप प्लाज्मा में से अगर आप निकाल देते हो अपना फाइब्रिनोजन को, और प्लाज्मा से अगर आप निकाल देते हो अपना फाइब्रिनोजन को, देन यू विल फाइंड दैट विल बी कॉल्ड एज माय सीरम. देन उसे हम यहाँ बोलेंगे एज अ सीरम. देन इट कैन बी कॉल्ड एज योर सीरम. ठीक है. इरेट्रोपोएसिस का मतलब होता है आरबीसी फॉर्मेशन. अब बताओ कि इन चारों में से कहाँ पे आपका ब्लड सेल फॉर्मेशन होता है. जनरली ब्लड सेल्स आपके बनते कहाँ पे. अनम्यूट करके वैसे ही बता दो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे. Always going to be your red bone marrow, जहाँ पे आपका RBC formation या erythropoiesis होते हुए आपने मिल जाएगा, right? The most active phagocytic white blood cell, इनमें से कौन सा आपका group है जिसमें आपको मिलेगा सबसे active आपका white blood cell? So which of this group will be having the most active white blood cell? चलिए करिए hand raise इसके लिए. Simple है बेटा, आपको बताने यहाँ पे कि आपके जो कौन से WBC थे आपके यहाँ पे जो engulf करते थे घूमते हुए pathogen को. बताइए दीक्षा क्या होगा इसका आंसर. ऑप्शन ए. मुस्कान कुमारी सर ऑप्शन बी. एंड पीयूष सर ऑप्शन बी. अगर आप ऑप्शन बी यहां पे कह रहे हो देन आपका आंसर यहां पे सही है. याद रखना इट इज योर न्यूट्रोफिल्स एंड योर मोनोसाइट्स. न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स जो आपके यहाँ पे होते हैं दे आर द वन विच आर नोन टू कैरी आउट माय फैगोसाइटोसिस बाय द डब्ल्यूबीसीज. सो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर द वन जो आपके यहाँ पे फैगोसाइटोसिस कर पाते हैं लाइक ऑफ योर फॉरेन पैथोजेंस. ये मैंने बताया था बेटा, ये याद रखना है आप सबको यहाँ पे. दिस इज वॉट दे आर नोन फॉर. राइट. विच आर द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. इनमें से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन आपके यहाँ पे इन्वॉल्व है ब्लड कोएगुलेट करने के लिए. सो अगेन वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन. बताइए तवनप्रीत क्या होगा इसका आंसर. ऑप्शन डी. अगर आप मुझे यहाँ पे बता रहे हो देन आपका आंसर यहाँ पे सही है. बिल्कुल सही. फाइब्रिनोजन इज द वन विच विल प्ले द रोल इन द कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड. राइट. सो दीज आर अ फ्यू क्वेश्चंस वी हैव डन ओवर देयर. राइट. अब मैं आपसे क्या चाहता हूँ ना, आई एम नॉट गोइंग बियॉन्ड दिस. मुझे और भी चीजें कवर करनी थी बट मैं इसके बियॉन्ड यहाँ पे जा नहीं रहा. आई जस्ट वॉन्ट कि आप बेसिक चीजें यहाँ पे पहले याद रख लो. यू अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट और यहाँ पे सर्कुलेशन आपके यहाँ पे कैसे हो रहा है. If you can understand the circulation of the part, then we can इसके आगे फिर हम लोग बढ़ सकते हैं. ठीक है. बस एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा बिफोर वी रैप अप कि आपका जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है आपका टुवर्ड्स द लंग्स, जब राइट वेंट्रिकल से आपका ब्लड जाता है टुवर्ड्स द लंग्स तो वो पास करेगा एक वाल्व को एंड दैट वाल्व इज कॉल्ड एज माई सेमी लूनार वाल्व. इसको मैं इवन कह सकता हूँ यहाँ पे एज अ पल्मोनरी सेमी लूनार वाल्व. ऑन द अदर हैंड जब मेरा ब्लड पास होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से वाया आउटा थ्रू आउट द बॉडी, जब मेरा ब्लड पास होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से वाया आउटा थ्रू आउट द बॉडी, देन जब वो जिस वाल्व से वो पास होगा सो इट विल ऑल्सो पास टू वन ऑफ द वाल्व एंड दैट वाल्व ओवर देयर इज कॉल्ड एज योर aortic semilunar valve. ये भी आपका एक semilunar valve भी है. तो कौन है aortic semilunar valve. So these are the things you have to know. You have a pulmonary semilunar valve जो आपको मिलेगा between the right ventricle and lungs के बीच में, और aortic semilunar valve आपको मिलेगा between the left ventricle and aorta के बीच में. So that is one thing you have to know. Semilunar valve उसे इसलिए कहा जाता है because it looks like a half moon. That's why it is called as my semilunar valve over there. ठीक है. I just want कि आप एक basic circulatory pathway circuit यहाँ पे क्या होता है आप याद रखना अगली बार जब हम लोग मिलेंगे, ताकि हम यहाँ से फिर चीजें हमारी आगे बढ़ा सकें. And then we can understand few more things based on this. ठीक है. So that अगली class के अंदर जब हम लोग मिलेंगे, so we will be able to cover this working of the heart, SA node, AV node क्या होता है, and then उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे. Right? This chapter will take around like max 3 lectures. हम कोशिश करेंगे इसे 2 lecture में खत्म करने की, but it will take around like 3 lectures max to complete this chapter फटाफट. right? अच्छा एक और बात मुझे यहाँ पे बताओ, क्या आप चाहते हो कि chapter थोड़ा slow हो जाए या जैसे चल रहा है वैसे चलने दें?
सर चलने दे। ठीक है सर। सर ठीक है। लेट मी नो अगर आपको स्पीड को थोड़ा और कम या फास्ट करना होगा तो। फास्ट तो ठीक है, अगर करना हो तो बता सकते, बट मेनली हो सकता है स्लो करना पड़े। सो जस्ट लेट मी नो। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स आई हैव डन। इसके ऊपर बेस में आपसे कुछ 15 क्वेश्चन शेयर कर दूंगा आज शाम को, तो वो भी सॉल्व करके आप शेयर करिए। और इसके अलावा भी मैंने जो 15 क्वेश्चन शेयर किए सब लोग असाइनमेंट करके शेयर करिए। सो इफ द क्वेश्चंस हैव बीन शेयर्ड देन प्लीज टेक आउट योर टाइम एंड सॉल्व दोस क्वेश्चंस। ठीक है, सो डू दैट। आई एम गिविंग यू दिस सम टाइम टू हैव सम रेस्ट नाउ बिफोर यू कम टू द क्लास। एंड अगर क्वेश्चन अगर आपको अभी मिल जाते हैं अगले आधे घंटे के अंदर तो करके सेंड कर दो। डोंट वेट फॉर सम टाइम टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस। ठीक है, ऑलराइट। सो दैट इज द थिंग।